Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज के वीडियो में हम द घोस्ट पार्टिकल कहलाने वाले न्यूट्रिनो के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी टाइप के मैटर से बिना अफेक्ट हुए, बिना कोई चेंज हुए पास हो जाता है. न्यूट्रिनोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये यूनिवर्स में मास पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है. अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाले पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ मास होता है. इनका प्रोडक्शन न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस में होता है. फ्यूजन रिएक्शन जैसे कि सन में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन, और फिजन रिएक्शन जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका स्पिन हाफ इंटीजर नंबर होता है. साथ ही न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, बहुत ही कम रेस्ट मास होता है, और इसलिए काफी टाइम तक ऐसा माना जाता था कि इनका रेस्ट मास जीरो है. लेकिन जीरो नहीं होता, बट वेरी स्मॉल रेस्ट मास है. लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. इनकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है. न्यूट्रिनोस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से तो अफेक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अफेक्ट नहीं होते, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स से अफेक्ट होते हैं. साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इनको घोस्ट पार्टिकल का नाम मिला है कि मैटर से बिना रिएक्ट किए, बिना कोई फर्क पड़े पास हो जाते हैं, इसलिए ये महसूस भी नहीं होते, इसीलिए इनको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है. न्यूट्रिनोस तीन फ्लेवर्स में होते हैं, तीन टाइप्स हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूओन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो. इनके सिंबल्स यहाँ बताए हुए हैं, और ये एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में चेंज होते रहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.